अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को मिली एक और बड़ी उपलब्धि। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले उन्नत उपग्रह इनसेट 3D का फ्रेंच गुयाना के यूरोपीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कौरू से किया गया सफल प्रक्षेपण। इनसेट 3D में बेहतर आकाशीय रेजोल्यूशन के साथ इमेजिंग प्रणाली है। उपग्रह में 19 चैनल साउंडर हैं, जो वातावरण में अलग अलग स्तरों पर सूचना देने में सक्षम है। देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। 14 साल पहले आज ही के दिन करगिल में भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को सबक सिखाया था। अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। फ्रांस के रक्षा मंत्री जियां ला द्रियां 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। फ्रांस के रफेल लड़ाकू विमानों के सौदे को पूरा करने में हो रही देरी पर भी बातचीत होने की संभावना है। फ्रांसीसी मंत्री एके एंटनी से आपसी रिश्तों पर भी बातचीत करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण नेहरू का कल देर रात निधन हुआ। 69 वर्षीय नेहरू गांधी परिवार के नजदीकी और राजीव गांधी सरकार में बेहद प्रभावशाली थे। आज दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि नगद अंतरण योजना इस वर्ष दिसंबर तक देश भर में लागू हो जाएगी। योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में अनियमितताओं और लीकेज को दूर करने से में मिलेगी मदद। चिदंबरम ने सभी सरकारी बैंकों से कहा है कि वे आधार नंबर को लाभार्थियों के बैंक खातों से जोड़ें। जिला कलेक्टरों का काम है कि वे लाभार्थियों की सूची का तेजी से डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करें और उनके बैंक खाते खोलने में उनकी मदद करें। बटला हाउस मुठभेड़ मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शहजाद अहमद को दोषी करार दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शास्त्री ने कहा कि शहजाद पुलिस निरीक्षक MC शर्मा का हत्या का भी दोषी है। अदालत शहजाद अहमद को अगले सोमवार को सजा सुनाएगी। अदालत ने कहा है कि शहजाद को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने और उन्हें कर्तव्य पालन से रोकने का भी दोषी है। ये मुठभेड़ 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर के बटला हाउस में हुआ था। अटॉर्नी जनरल जी वाहनवती और विधि सचिव BA अग्रवाल आज कैग की एक रिपोर्ट पर विरोधाभासी राय देने के मामले में PAC के समक्ष पेश होंगे। रिपोर्ट में कहा गया था कि हर पुनर्भुगतान पर ब्याज संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले के 5 आरोपियों में से एक किशोर आरोपी पर फैसला 5 अगस्त को सुनाया जाएगा। किशोर कोर्ट ने हमले के वक्त 17 साल के किशोर के मामले की सुनवाई पूरी कर ली है। दिल्ली की एक अदालत ने अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को 2G मामले में गवाह के रूप में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दिए जाने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को करेगा सुनवाई। आधारभूत ढांचा क्षेत्र में निवेश के संचालन समूह ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी मध्यावर्ती उपायों की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है। इस समूह की नियुक्ति प्रधानमंत्री ने की है। इन परियोजनाओं में नवी मुंबई हवाई अड्डा, मुंबई रेल गलियारा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और आंध्र प्रदेश में दुर्गा राजपट्टम बंदरगाह शामिल है। संबद्ध मंत्रालयों और विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का दिया निर्देश। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के लिए कल हुआ मतदान। 70% से अधिक मतदान की हुई खबर। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान रहा शांतिपूर्ण। मतगणना 29 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रवासियों के मुद्दे पर केंद्र और कई राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बांग्लादेश में कथित धार्मिक अभियोजन के कारण विस्थापितों को नागरिकता या शरणार्थी का दर्जा देने की मांग करने वाली जनहित याचिका की वो सुनवाई करेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने BCCI को RTI के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने की कार्रवाइयों पर लगाई रोक। अंतरिम आदेश में केंद्रीय सूचना आयुक्त की कार्रवाई को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चुनौती दी थी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के अमेरिकी मिशन में सीरिया के विपक्ष से सदस्यों से मुलाकात की।
सीरियाई गठबंधन अध्यक्ष अहमद अल अस्सी अल जरबा और शिष्टमंडल में वरिष्ठ प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को विस्तृत जानकारी देंगे। स्पेन में सेंटियागो दे कॉम्पोस्टेला शहर के निकट हुई रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 78 हो गई है। इस दुर्घटना में 140 से अधिक लोग घायल हुए थे। पिछले चार दशकों में हुआ स्पेन में यह सबसे भयानक रेल हादसा है। ट्रेन हादसे के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रजॉय ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। ट्रेन के दो ड्राइवरों में एक से औपचारिक पूछताछ जारी है। दुर्घटना से एक दिन पहले ही ट्रेन की तकनीकी सुरक्षा जांच की गई थी।